पाकिस्तान और कुवैत के माबैन नए माहिदों पर दस्तखत कर दिए गए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में कुवैत जाने वाले वफद ने मुलाकातें की और पाकिस्तान के लिए बड़े अरबों डॉलर के माहिदे अप्रूव करवा लिए गए। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मजमूई तौर पर 7 माहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत के पहले नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला से 1-on-1 मुलाकात की। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, जबकि मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इआदा किया गया है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के 7 माहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, हाइडल पावर और वाटर सप्लाईज के शोबे शामिल हैं जिन माहिदों पर दस्तखत किए गए। इसके अलावा सकाफत, आर्ट, माहौलियात और पायदार तरक्की की 3 मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात की रफ्तार पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया है। अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत और गहरा करने के लिए तेज़ रफ्तार इकदामात करने पर भी इत्तफाक किया गया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस सबा की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। क़यादत से मुलाकात के लिए अल बयान महल पहुंचने पर पाकिस्तानी वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कुवैत के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख तलाल अल खालिद अल अहमद अल सबा ने महल पहुंचने पर निगरान वजीर आजम का खुद इस्तकबाल किया। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को कुवैती अमीर गार्ड के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया, जबकि दोनों ममालिक के तराने भी पेश किए गए। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली, निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज, निगरान वजीर कानून और मौसमियाती तब्दीलियों आबी जखायर अहमद इरफान असलम और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी निगरान वजीर आजम के हमरा वफद में शामिल थे।